हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस, अगर आपको गेमिंग फोन खरीदना है जिसमें आप अच्छे खासे गेम चला सके, तो गाइस मैं आज आपके लिए ऐसे फोन लेके आया हूँ जिनमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो वीडियो को आप जरा भी स्किप मत करिएगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हो, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलते हैं आज की इस वीडियो को। तो नंबर 5 पे जो फोन है Xiaomi Mi 11 Lite, ये फोन काफ़ी गजब के फीचर्स के साथ आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है, और जिसके साथ आपको ऑक्टाकोर का प्रोसेसर भी मिल जाता है। और इसके साथ ही आपको डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पे 6.5 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, वो भी 1080p की। और इसमें अगर प्रोटेक्शन की बात करें, यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। अगर बात करें इसके बैक कैमरा की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिल जाता है, और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, और 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा मिल जाता है। और अगर आप इस फोन में अगर रिकॉर्डिंग करना चाहे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे, यहाँ पे आपको 4K रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। तो गाइस, बात करें इस फोन की बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे आपको 4250 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो गाइस, अब बात करें अगर इसकी रैम और रोम के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6GB रैम मिल जाती है और 128GB रोम मिल जाती है, जिसको आप 512GB तक बढ़ा भी सकते हो। तो गाइस, अगर इस फोन की प्राइस की बात करें, तो ये आपको 22,000 रुपीज का पड़ जाए। तो अब नंबर 4 फोन की बात करें, तो यहाँ पे आपको वीवो IQOO Z3 मिल जाता है। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है ऑक्टा कोर के साथ, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाती है 6.5 इंचेस की, जिसमें आपको 1080p की डिस्प्ले मिलेगी। गाइस, कई बार होता है कि हमारे हाथों में पसीना आता है, जिससे हम अगर अपना फोन चलाते हैं तो काम नहीं करता, पर इस फोन में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके फोन की स्क्रीन के ऊपर वाटर भी गिर जाता है, तो ये भी ये फोन काम करेगा, आप इसका टच यूज कर सकते हो। तो बात करें इस फोन की कैमराज की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके साथ आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, और इसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, और साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। तो बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अगर बात करें इस फोन की बैटरी की, तो इस फोन में आपको 4400 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो बात करें इस फोन की रैम और रोम के बारे में, तो यहाँ पे 6GB रैम मिल जाती है और आपको 128GB रोम मिल जाती है, जिसको आप 1TB तक बढ़ा भी सकते हो। तो गाइस, बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको 20,000 रुपीज का पड़ जाता है। नंबर 3 फोन की बात करें, तो यहाँ पे आपको Xiaomi Redmi Note 10 मिल जाता है, जो कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आता है, और यहाँ पे आपको 6.4 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है 1080p के साथ, और यहाँ पे आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब बात करें इसके कैमरास की, तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। बाकी के 2 कैमरा आपको मैक्रो कैमरा और डेप्थ कैमरा 2-2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं, जिसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी होगा। तो बात करें इसके फ्रंट कैमरा, तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। तो गाइस, बात करें इसकी रैम और रोम के बारे में, तो गाइस यहाँ पे आपको 4GB रैम मिल जाती है और 64GB आपको रोम मिल जाती है, जिसको आप 512 MB तक बढ़ा भी सकते हो। और इस फोन की खास बात यह है कि ये फोन वाटरप्रूफ है। तो इस फोन की प्राइस की बात करें, ये फोन आपको 13,000 रुपीज का पड़ जाता है। तो गाइस, कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सा फोन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और अगर आपको ये फोन अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो नंबर 2 फोन की बात करें, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, ये फोन आपको काफ़ी गजब के फीचर्स के साथ मिल जाता है। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर डिस्प्ले की बात करें, आपको यहाँ पर 6.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है 1080p के साथ, और यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। अगर बात करें इसके कैमरास की, तो यहाँ पे आपको बैक कैमरा में क्वाड कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, और 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा मिल जाता है, और 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। और बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। और बात करें इस फोन की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5020 mAh की बैटरी मिल जाती है, वो भी फास्ट चार्जिंग के साथ। तो अगर जो बात करें इसकी रैम और रोम के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6GB रैम मिल जाती है और 64GB आपको रोम मिल जाती है, जिसको आप 512GB तक बढ़ा भी सकते हो, और ये फ़ोन आपका वाटरप्रूफ है। तो इस फोन के प्राइस के बारे में बात करें, तो ये फ़ोन आपको 18,000 रुपीज़ का पड़ जाता है। नंबर 1 फ़ोन की बात करें, OnePlus Nord CE 5G, ये फ़ोन काफ़ी गजब का है, और यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है, और इसकी डिस्प्ले की बात करें, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है 1080p के साथ। और अगर जो बात करें इसके फ़ोन की कैमराज की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, बाकी के 2 कैमरास आपको 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं, और इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट है। और बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। तो बात करें इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो गाइस, अगर बात करें इसकी रैम और रोम के बारे में, तो यहाँ 6GB रैम मिल जाती है और 128GB आपको रोम मिल जाती है।
तो गाइस ये फ़ोन गेमिंग के मामले में बहुत ही गजब का है। तो गाइस अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो ये आपको 23,000 रुपीज़ का पड़ जाता है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइए आपको कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इसी तरह और वीडियोस के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए रेगुलर वीडियोस आती हैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।